अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज का जो टाइटल आपने पढ़ा है हम लोग वही करेंगे एग्जैक्टली। आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगी द बॉम्बे बेकरी, हैदराबाद की मोस्ट फेमस बेकरी है हैदराबाद की द बॉम्बे बेकरी। आज आपको मैं ना वो दिखाने वाली हूँ, बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने मेरी तरह नहीं देखा होगा अंदर से। मैं खुद फर्स्ट टाइम गई थी, तो बाहर तक उसका गेट देखा, फर्स्ट टाइम मैंने अंदर से जाके देखा और उसको रिकॉर्ड भी किया है। सो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कर दें वीडियो को, और मेरे साथ पूरा हैदराबाद, आज आप लोग मेरे साथ हैदराबाद का टूर करेंगे, मतलब कि छोटा छोटा मेरी मिनी टूर करेंगे, जो आपको मैं दिखाऊंगी कि हम कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और किधर पहुँचते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो बॉम्बे बेकरी, इन्होंने अपनी 100 साल वाली एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी वो लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं। कैन यू इमेजिन 100th एनिवर्सरी, वो उनका सेलिब्रेट हो चुका है। ये हैदराबाद का बहुत ही फेमस है, इसके केक आज भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, बाहर जाते हैं ये, बाहर लोग लेके जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। और यहाँ पे भी हम लोग तो आम जाम खाते, चल हमारे लिए आम है, बहुत नॉर्मल है, बाहर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। सो इनकी जो हिस्ट्री थी, ये बना था 1911 में बना था, और इसके 100 साल पूरे हुए हैं। बहुत ही बड़ी बात है जो कोई बेकरी इतनी पुरानी हो बिफोर इंडिपेंडेंस, और अभी तक उनका चल रहा है। सो ये बेकरी जो है, इसके बड़ी फेमस केक है, कॉफ़ी केक, चॉकलेट केक, क्रीम केक, मैक्रून, फ्रूट केक और बिस्किट्स वगैरह सारे इनके पास है, पर ये बहुत चलते हैं, डबल लेयर चॉकलेट केक भी चलता है इनका, तो बहुत मज़े के होते हैं। तो मुझे अक्सर में लेना था अपनी किसी इंपॉर्टेंट फ्रेंड के लिए, तो उसके लिए मैं लेने गई थी सुबह 9 बजे, ये 8:30 तब खुल जाता है फ्रेश नहीं, तब देखते सारे मोस्टली जो है ना शॉप्स जो हैं सारी बंद हैं, मोस्टली शॉप सारी बंद थी, बिकॉज 9 बजे कोई शॉप कहाँ खुलती है, पर ये खुल गया सुबह। और इनके पास रश भी थी, मैं जब गई तो वहाँ पर लाइन बनी हुई थी, मेरे को वाह सुबह लोग पहुँच गए हैं। इनके फिर केक नहीं मिलते, कोई केक नहीं मिलता, चॉकलेट केक नहीं मिलते मोस्टली, कॉफ़ी केक नहीं मिलता है, बाकी क्रीम वगैरह सारे मिल जाते हैं, पर मोस्टली केक ख़त्म हो जाते हैं इनके। फिर नेक्स्ट शिफ्ट होती है, इनकी शिफ्टिंग होती है, ये फिर 2 बजे के बाद ओपन होता है, फिर ये शाम को शिफ्ट करते हैं, 2-3 घंटे का होता है कोई। तो खैर हम सुबह निकले तो ये देखिए हमारा ये है ठंडी सड़क, ये ठंडी सड़क पर A1 फेमस आपने पीछे देखा होगा, ये हमारे स्टेट बैंक है। A1 स्नैक के बहुत मज़े के पराठे और रोल होते हैं, हमें बहुत पसंद है, बहुत पसंद। और ये हमारी ठंडी सड़क बोला जाता है, हैदराबाद की ठंडी सड़क, ठीक है। राइट साइड पे जो है वो है जिम खाना हैदराबाद, ठीक है, ये राइट साइड पे हैदराबाद है जिम खाना। और ये सामने जो दिखा देख रहे हैं ना, बिल्कुल सामने ये जो आ रही है बिल्डिंग, ये वाली स्ट्रेट वाली, ये है हमारा फेमस मार्केट गुल सेंटर। हम गुल सेंटर के बिल्कुल ही लेफ्ट में जाएंगे, इधर से जाएंगे, ये पूरा गुल सेंटर का एरिया, बीच वाला आगे हमारा आता है सदर का एरिया, स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक। ये देखें अच्छा, बहुत ही कलरफुल, बस बहुत सुकून के साथ, बहुत सुकून के साथ। एंड ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बस ये वाली डिज़ाइनिंग है ना, आर्ट है ना, ये होनी चाहिए रोड्स पे, इस टाइप की आर्ट हो, शक्लें नहीं बनी हो, ये तो हो सकता है कलरफुल हो, दीवारें अच्छी लगती हैं, अजीब व गरीब की एडवर्टाइजमेंट ना हो दीवारों पर। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा यहाँ ये है हमारा सदर का एरिया, कैंट एरिया, यहाँ से गुड सेंटर के बाद एकदम ये कैंट एरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोग बैक साइड से आए, हम लोग एक फ्रंट से और ये बैक, ये कैंट एरिया है हमारा, हेडक्वार्टर स्टेशन आ गया ये, और ये आ गया आगे गैरिसन, ये गैरिसन है, यहाँ पे शॉपिंग होती है, ये सारा जो है ना आर्मी के अंडर है, ठीक है। ये फौजियों का ये आर्मी का अंडर एरिया है, यहाँ पे जेड डॉट और ये सारे ब्रांड्स, मिर्ची वगैरह, गैरिसन, ये छोटा सा एक है शॉपिंग मॉल टाइप का, शॉपिंग मॉल ही आर्मी शॉपिंग एरिया टाइप का, यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब इसी के हम लोग बिल्कुल ही साइड, राइट साइड पर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बॉम्बे बेकरी। अच्छा ये देखिए कितने रस्ती, और ये हमारा मेन सदर बाजार, यहाँ पे सदर, यहाँ पे आगे जो है मोबाइल शॉप्स भी हैं, तो गोल्ड वाले, तो ज्वेलरी वाले, और ये सारे कपड़ों जूते सारे, ये सदर बाजार है हमारा मेन सदर शॉपिंग एरिया, तो कैंट के साथ ही साथ। और ये आगे हम लोग ब्लैक एंड ब्लैक एंड बेकरी बोल रही हूँ, बॉम्बे बेकरी। तो ये सारे बंद थे, इतना सुकून है, तो इधर इतनी रश होती है, इतनी रश होती है कि बस। और ये देखिए, ओ माय गॉड, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं ये पुराने ज़माने से बना वही है। एंड ये देखें सामने, ये ऑनर का घर है, मेरे सामने ऑनर रहते हैं, इनका घर ही कनेक्टेड ही, और ये सामने इन्होंने एक साथ बेकरी बनाई हुई है, तो बहुत ही इस लश और इतना ग्रीन, इतना अच्छा खूबसूरत किस्म का, वाओ
और ये देखिए केक इन्होंने, अच्छा ये मैंने अब फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कितने अच्छे कैबिनेट्स बनाए इन्होंने, कैबिनेट्स बनाए के अंदर ये वो दूसरे केक्स है जो इन्होंने रखे हुए थे फॉर डेकोरेशन के लिए आई थिंक सो, यहाँ से वो ले तो वो अंदर से आ रहे थे। और ये देखिए कितनी रश है, सुबह 9 बजे का टाइम है। और ये इनके चार्जेस थे ठीक है, चॉकलेट केक के 4 पाउंड और कॉफ़ी 2 पाउंड 4 पाउंड 8 पाउंड सारे इनके रेट्स लिखे हुए थे ठीक। मैंने कहा निकाल लेती हूँ किसी को काम आ जाए तो देख लेता है बंदा फ्रीज करके। और ये देखिए 9 का टाइम था और ये आ गए हमारे केक्स, ये इस तरह लेके आ रहे थे डब्बे भर भर के अंदर से लेके आ रहे थे। तो ये इतने चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो फाइनली मेरे केक हो चुके थे, अब मैं इसको लेती हूँ और अब चलते हैं बाहर। मैंने लिए थे एक क्रीम केक, एक चॉकलेट केक और दो एक फ्रूट केक था, एक मैक्रोन केक था ठीक है। और साथ में हमने अपने लिए भी लिया था एक कॉफ़ी केक ठीक है। तो सारे केक ज़रूरी होता है खाने सबके लिए। तो अब चलते हैं हम लोग वापस, अब ये है हमारा वापसी का रास्ता, इसी रास्ते से हम लोग आए थे, वही दूसरा टर्न है, वही हम वहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं। और ये देखिए ड्राइंग मिस, मुझे आर्ट बहुत पसंद है इस टाइप का। ये देखिए गुल सेंटर, मैं बताते हैं गुल सेंटर, अब गुल सेंटर इस तरफ हो गया और हम लोग बीच में से जाएंगे डिफेंस एरिया से, डिफेंस एरिया के साथ होते हुए। ये हैदराबाद बेकरी है ठीक है। सो आई होप कि आपको आज की व्लॉग अच्छा लग रहा हो, ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन्जॉय करें, ज़रूर लाइक करें सब्सक्राइब करें, मज़ा आता है देखते के ना। और काफ़ी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है ना मैंने इस टाइप की वीडियो बनाई है, तो मैं इस टाइप की वीडियो बनाती ही नहीं हूँ, बिल्कुल ही कम बनती है। और ये बहुत पुरसकून टाइप से बनी है, बहुत पुरसकून, ना बच्चे तंग कर रहे थे ना ही कुछ। एंड ये देखिए बीच में कट आता ना, यहाँ पर स्टेट बैंक जो है, आगे डिफेंस था और ये स्टेट बैंक की जो है बिल्डिंग, जो हम बीच हम शुरू में कट हम इस करके आए थे, क्रॉस करके आए थे, ये बीच में इसका अलग सा रास्ता है। और इस राइट साइड पे इसका होता है डिफेंस, और ये सारा ये देखिए ये राइट साइड पे डिफेंस है। अब हम लोग ये बीच में कट करके मेन रोड पे आ गए, ठंडी सड़क की मेन रोड पर। ये व्यू मुझे बहुत पसंद है, ये वाला सारा व्यू हमारा जितना अच्छा लगता है, इस ठंडी सड़क पे आना जाना फुल ओपन होता है, बहुत मज़े का सुकून वाला लगता है ये वाला रोड मुझे। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये आगे हमारे ऑफिसेस ठंडी सड़क, क्योंकि ठंडी सड़क पे मोस्टली ऑफिस है, शहबाज बिल्डिंग हो गई, डिफेंस एरिया हो गया, डिफेंस एरिया के साथ कनेक्टेड है, तो सारा हैदराबाद छोटा है पर कनेक्टेड है, हर चीज़ आमने सामने मिल जाती है, आधा घंटा 20 मिनट लगते हैं हम लोगों को आने जाने में, तो ज़ाहिर बात है ईजी रहता है। और ये मेरा कॉलेज है, इन्होंने पता नहीं ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है, ये मेरा कॉलेज था सही है। आगे जाएंगे ठंडी सड़क के KFC वगैरह, ये हम लोग आगे कस्माबाद में, बिकॉज मुझे TCS करना था, तो ये हम लोग कस्माबाद में आ चुके हैं, मेन कस्माबाद रोड है ये। सारे शॉप्स बंद हैं, मेरे होटल वगैरह सारे बंद हैं, बहुत नहीं तो इतनी ना ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है कि आप ना वेट कर कर के जाना पड़ता है, बहुत सुकून के साथ ही सुबह 9 बजे वाला काम है, बहुत अच्छा हुआ है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।